सीट कवर इंस्टॉल करें AX7 लग्जरी लाइन वाले, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। लग्जरी लाइन वाला में भी क्वालिटी एक सुपर क्वालिटी, कोई नॉर्मल क्वालिटी नहीं रहने वाला। देख सकते हो हमारे पास MX वेरिएंट में डालने के लिए AX5 वाले अलॉयज हम इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले। तो ये स्टीयरिंग कवर आप देख सकते हो, इसके अंदर हमने स्टीयरिंग कवर तो आज हम आए जय ऑटो रामा रोड पर। हमारे साथ है सोनू भैया यहाँ पर। तो सोनू भैया क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया भाई, वर्कशॉप बहुत नेक्स्ट लेवल पर है। आपने यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग काम कर पाते हैं, लोगों का आशीर्वाद है जो यहाँ तक पहुँच पाए। बहुत बढ़िया वर्कशॉप है। देखो एक साथ यहाँ पे देखो तीन XUV हमारे साथ खड़ी है, ये एक दो और तीसरी हमारी लाडो है, पर तीन XUV आज मतलब XUV का सेटअप हम दिखाने वाले हैं। तो ये हमारे साथ जो गाड़ी है AX5 रहने वाली है। क्या क्या काम है इसमें? पूरी गाड़ी डैम्पिंग है, डोर डैम्पिंग है और अपना कंपोनेंट है। ठीक है ठीक है, चारों डोर में कंपोनेंट है और साउंड ग्लास का एम्पलीफायर है। आप लोग देख सकते हो हमारे पास MX वेरिएंट में डालने के लिए AX5 वाले अलॉयज हम इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये MX जो हमारी दूसरी गाड़ी उसके लिए है ना। हाँ। तो ये AX5 वाले, अगर आपको AX7 वाले चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, जैसे हमने अपनी लाडो में लगाया। ऑर्डर करना होगा, ऑर्डर करना पड़ेगा आपको। और ये मिल जाता है इजीली, ये भी नहीं मिलता। तो मतलब पहले आपको ये भी अपॉइंटमेंट के साथ बुक होगी गाड़ी। गाइस गाड़ी जो है हमारी अब फाइनल हो चुकी है, हमारी XUV 700 का AX5 वेरिएंट है जो कि 5 सीटर हमारी गाड़ी है। और आज चमुंडा भाई बताएंगे इसके अंदर क्या काम करा। 7 सीटर, ये 7 सीटर है। तो ये कन्वर्ट करी है हमने, पहले से आती है, पहले से है और हरिद्वार से आया। आप नंबर से देख सकते हो। हाँ, हरिद्वार से गाड़ी आई है हमारी। इसके अंदर काफी बढ़िया तरीके से हरिद्वार से हमारी देवभूमि उत्तराखंड। तो भाई इसके अंदर आपको दिखाएंगे और क्या क्या काम हमारा बढ़िया तरीके से हुआ इस गाड़ी के अंदर। इसके अंदर फ्रंट से तो कुछ भी नहीं, फ्रंट से कुछ भी नहीं है। अच्छा भाई, वैसे मेरे को XUV का इतनी ज्यादा मतलब नॉलेज नहीं है, तो मेरे को बताओ जैसे फ्रंट में अगर टॉप मॉडल है या बेस मॉडल है, फ्रंट से सब गाड़ियां सेम ही है बिल्कुल, हेडलाइट छोड़ के। हेडलाइट छोड़ के बाकी सारी ग्रिल का भी कुछ फर्क नहीं है। इसके अंदर हमारा थोड़ा मैट क्रोम की फिनिश आती है, आप देख लो ये मैट क्रोम होता है हमारा। इसका जो भी क्रोमिंग होगा मैट क्रोमिंग, मैट क्रोमिंग है। इसके अंदर कोई भी आपको ग्लॉस वाली क्रोम नहीं देखने को नहीं मिलेगा। साइड में अलॉय स्टॉक रहने वाला है, स्टॉक रहने वाला है। अगर आप लगवाना चाहो उसके अंदर AX7 लग्जरी वाले हमारे अलॉयज लग सकते हैं, वो आपको ऑप्शन है, लगवा सकते हैं। क्योंकि फिर ये गाड़ी पूरी AX7, इसको हम क्लेम कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी AX7 बन गई। एक स्टिकर मिल जाता है इसका, जैसे स्कॉर्पियो का आता है हमारा, तो कुछ भी ले सकते हो। तो बाकी फिर नाम ही चमुंडा ठीक है भाई। तो बाकी एक चीज बोलना चाहूंगा, ये हमारे रामा रोड की पहली XUV 700 है जो हम यहाँ पर शूट कर रहे हैं। हाँ। तो इस गाड़ी के अंदर भी मतलब मजा आ जाएगा। XUV का भी आपको एक अपडेट चैनल पर रेगुलर मिलने वाला है, एक स्कॉर्पियो एक XUV, इस तरीके से हम आप चैनल को वो करेंगे। ठीक है, तो XUV वाले भाइयों के लिए भी बहुत खुशखबरी है कि हमारे चैनल पर XUV की वीडियो भी अब रेगुलर आया करेगी। ठीक है, साइड प्रोफाइल में बस इसमें तीन कामों भी, चौथी इसमें लोअर गार्निश लगेगा जो मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अभी लगाने लगे। डोर वाइजर इसके अंदर लगा है, डोर वाइजर हमारा साइड का फुटरेस्ट है और एक ये महिंद्रा जेन्युइन रहने वाला है हमारा। हाँ ठीक है, इसके अंदर एक इसकी एक आफ्टर मार्केट कॉपी आती है, वो भी मिल जाएगी आपको। इसकी देख रहे हो ना कितनी सॉलिड चीज है, बहुत सॉलिड चीज है महिंद्रा। तो फिर महिंद्रा ही ORVM भी हमारा इसका रहने वाला है, ORVM चेंज हुआ, AX7 वाला चेंज हुआ। अच्छा, जो टॉप मॉडल है उसमें भी इसी ब्लैक कलर का आता है हमारा, या बॉडी कलर का आता है? बॉडी कलर आता है, बट ये ना एक कॉम्बिनेशन बन गया, जैसे इसके साथ में ये ब्लैक हो गया, ये मतलब ये वाला पार्ट पूरा ब्लैक हो गया, यहाँ से पियानो ब्लैक की थीम बन गया। हाँ, पूरी थीम बन गया। अगर आप पेंट कराना चाहो तो पेंट भी हो जाएगा, बट ऐसे ज्यादा बढ़िया लग रहा है। व्हाइट कलर गाड़ी में समझ आता है, इसमें भी अच्छा लग रहा है भाई, बुरा इसको ये नहीं कह सकते कि बुरा लग रहा है। तो पीछे की तरफ हम आपको लेके चलेंगे, सेफ्टी गार्ड ये हमारा महिंद्रा जेन्युइन है। हाँ, ये भी महिंद्रा जेन्युइन है, इसकी आफ्टर मार्केट भी सेम मिल जाएगी आपको। थोड़ा सा फर्क रहता है, थोड़ा सा फर्क है, पर वेलकम कंपनी का इधर वेलकम लिखा होगा बस, बाकी दिखने में लुक में सेम है। इधर आपको लाइट की तरह डेमो दिखेगा उसमें, मतलब रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, स्कैनिंग वाला रिफ्लेक्टर होगा जो मैं चला के दिखाता हूं। ये देखो, ये स्कैन करके हमारा ऑन होता है और इसमें मैट्रिक्स भी काम करता है, इंडिकेटर के साथ भी अटैच है हमारा। और इसके जितने भी कनेक्शन होते हैं हम स्कॉच क्लिप से यूज करते हैं, यानी कि वायर कटिंग करी जाती है सारे, हम स्कॉच क्लिप यूज करते हैं, कपलर यूज करते हैं, कपलर यूज करते हैं, ऐसे ही कपलर टू कपलर फिटिंग होती है। 700 में कोई स्कॉच नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, इसके अंदर आप कपलर लगवा सकते हैं, 700 में स्कॉच तक नहीं लगाते, स्कॉच भी नहीं लगाते हम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरी तरफ से मिसकंसेप्शन हो गया, बट आपको यहाँ पर जो है ये जितनी भी वायर वाला वर्क होगा सारा हमारा कपलर टू कपलर ही रहता है, और मोस्टली जितने भी पार्ट्स हम यूज करते हैं सारे महिंद्रा जेन्युइन ही रहते हैं, ज्यादातर 90%। बाकी आफ्टर मार्केट में मॉडिफिकेशन में कुछ भी करवा लो, महिंद्रा। देखो टोटल यहाँ से घुसते सब महिंद्रा महिंद्रा महिंद्रा, ऊपर भी पैक कर दिया, पर ऊपर भी पूरा महिंद्रा भरा पड़ा है, महिंद्रा ही है। तो आपको लेके चलते गाड़ी के अंदर, तो अंदर आप लोग देख सकते हो इसके अंदर सीट कवर्स हमारे ये नहीं आते, इसके अंदर ब्लैक कलर के आते हैं जैसे हमारे MX और AX3 में आते हैं, सेम है ना भाई?
नहीं, ये लग्जरी लाइन वाला है, पर कंपनी से जो आता है ब्लैक कलर का हमारा आता है इसका। हाँ, जैसे अपना X3 ले लो, MX में ले लो, बिल्कुल। तो ये हमने जो है इसके अंदर सीट कवर इंस्टॉल करे AX7 लग्जरी लाइन वाले, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। लग्जरी लाइन वाला में भी क्वालिटी एक सुपर क्वालिटी, कोई नॉर्मल क्वालिटी नहीं रहने वाला है। हाँ, ये जो क्वालिटी है लाइफ टाइम गारंटी रहने वाला है, लाइफ टाइम गारंटी रहने वाला है। आपको हल्के में चाहिए तो भी मिल जाएगा हमारे पास, ठीक है, हल्के में चाहिए की डिमांड पे हमारे पास हल्के में मिल जाएगा। बट तो वो जो कि हमारा फुल बकेट फिनिशिंग में नहीं रहता है ना, फुल बकेट में बकेट फिटिंग में होगा, क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होगा, क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होगी। लग्जरी लाइन वाला लाइफ टाइम गारंटी। तो ये आप लेदर की क्वालिटी में आपको एक बार जूम इन करके दिखाऊं, तो यहाँ पे आप लेदर की क्वालिटी देख सकते हो, बिल्कुल सेम हमारी लग्जरी लाइन वाला ही इसके अंदर हमने सेम लगने के बाद बिल्कुल सेम फीलिंग आता है। अच्छा, एक जो होता है ना भाई, कस्टमर की ये थिंकिंग रहती है कि हमने अगर AX5 भी ली है तो AX5 के बाद ना उसको हम AX7 बना दे, क्योंकि गाड़ी में थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस के बाद गाड़ी AX7 बन जाएगी। बटन वो छोटी मोटी चीजें जो है वो तो खैर अलग चीज है, बट ये कि डैम्पिंग में दिखाई दिया था कल होते हुए, डैम्पिंग हम कल आपको दिखा दी थी कल पूरा साइड के इसमें इंटीरियर हुआ है, ये देख सकते हो। अच्छा, ये हमने सॉफ्ट टच करा, इसके अंदर आपको सॉफ्ट टच देखने को नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद अगर आप डैशबोर्ड भी सॉफ्ट टच कराना चाहो तो वो भी हो जाएगा। ये ऊपर वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला होता है, ये नहीं होता, ये सामने लेदर रैप है ना। अच्छा, ये ऑलरेडी लेदर रैप है, हो गया साइड में बिल्कुल। इसकी अंदर बैठ के बताओ एक बार, तो मैं अंदर एक बार बैठ के आपको बता देता हूँ। जैसे ये डैशबोर्ड हो गया हमारा, ये हार्ड में आता है, हार्ड प्लास्टिक में आता है हमारा। ये वाला जो भी मेरा पार्ट है ये पूरी लेदर रैप है, यहाँ से यहाँ तक पूरी। अच्छा, ये हमने करा है, पता ही चलेगा की भाई। मैं तो ये सोच रहा था हुआ देख रहा मान, तूने चक्कर खा गया, ठीक है। तो ये चीज आपने देख ली पूरा, हमने इसके अंदर लेदराइज करा है इसको पूरा, ये हमारा हार्ड प्लास्टिक में ही आता है सारा। हाँ, पता ही नहीं चलेगा जैसे कि ये लेदर रैप हो रहा है, इसी कलर में ही आता है, काम की फिनिशिंग होता है, ठीक है। ये काम की फिनिशिंग होता है, सीट डोर की फिनिशिंग आप देख सकते हो, ये सीट डोर की फिनिशिंग देखो आप, हेडरेस्ट की फिनिशिंग देखो, हेडरेस्ट की फिनिशिंग देखो आप। ये नहीं कि वीडियो बना लिया हम कुछ भी डाल दिए, वीडियो में आप स्क्रीन शॉट लेकर जूम करके इसकी रिंकल देख सकते हैं। ये नहीं कि कुछ भी बना दिया दूर से कैमरा लेकर के, भैया इतनी अच्छी है, भैया इतनी अच्छी है, हम जूम इन करके भी आपको दिखा सकते हैं, फाइन बिल्कुल फाइन क्वालिटी है, कहीं से भी कुछ नहीं दिखे क्वालिटी। अच्छा, और ये हमारा आर्मरेस्ट भी हमने सॉफ्ट टच में करा है, ये देख सकते हो, ये इसके अंदर ये सॉफ्ट है, तो ये सॉफ्ट टच हो गया हमारा। तो एक काम, एक नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो AX7 वालों के लिए, AX7 वालों जो AX7 बनवा सके, X5 को, MX को, AX7 तक ले जा चुके, तो भाई AX7 में हमारा सारा कंपनी से ही सॉफ्ट टच आता है। ये चीज बिल्कुल जैसे आता है बिल्कुल सेम है, सेम ऐसा होता है। और एक हमारे पास वायरलेस चार्जर भी अवेलेबल है, इसमें लगा है हमारा, नहीं लगा, वो सब आने वाली वीडियो में। हाँ, तो एक हम कह सकते हैं शुरुआत हमने कर दी है, बाकी यहाँ पे रामा रोड पे हमारा शुरुआत हुआ, आने वाला टाइम में इसमें भी दिखेगा, हमारा एक और चैनल है वेनम, उसमें भी दिखेगा, ठीक है। हमारा 127 के मेन वेनम चैनल पे होता है, उसमें भी दिखेगा आपको, इसमें भी दिखेगा, तो दोनों चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। अच्छी, ठीक है। एक चीज मैं दिखाता हूँ, इसमें एम्बियंट लाइट लगा, जो एम्बियंट लाइट एक अलग तरीके का लगा हम, ये देखो। ओ भाई, क्या बात है, मतलब ये डायनेमिक तरीके से ऑन हुई है हमारी पूरी, जैसे भाई बहुत बढ़िया चीज। एक बार मैं लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ, ये देखो ये सारी लाइट्स ऑफ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारी एम्बिएंट लाइट की क्वालिटी, ये कुछ अलग ही चीज है। तो ये हमारी K4 है, K4 है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये एम्बिएंट लाइट की सबसे लेटेस्ट, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाली एम्बिएंट लाइट, जो आप XUV 700 के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। सिर्फ XUV में नहीं, किसी भी गाड़ी में आप कर सकते हो, इसमें स्ट्रेट लाइनिंग का इंटीरियर होता है। में नहीं, स्कॉर्पियो में नहीं बन पाता, स्कॉर्पियो में लगाया हमने, मैंने देखा था आधा अधूरा। दिलीप भाई ने मेरे को वीडियो भेजी थी, मैंने देखी थी, आधा अधूरा लगा। तो मैं अभी लाइट ऑन करके दिखाता हूँ एक बार फिनिशिंग, तो इसका भाई एक बार ऐप कंट्रोल करके मेरे को दिखा दो, इसमें क्या क्या ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। ये थोड़ी एडवांस चीज है, थोड़ी नई चीज मेरे हिसाब से है XUV के लिए, क्योंकि इसके अंदर K3 लग जाती थी, वो सिर्फ एक सिंपल कलर में चलती थी, बट इसके अंदर जो है ना आपको मूविंग कलर मिल जाते हैं, जैसे अंडर चैसी लैंप आप गाड़ी के अंदर लगा दो, सेम उसी टाइप की क्वालिटी आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि गाड़ी के अंदर भी आप फंक्शन कई सारे होते, इसमें आप सिंगल कलर भी रख सकते हो, सिंगल कलर पे भी रख सकते हो, स्ट्रोब लाइट रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये है कि ये BMW से भी ऊपर चली गई गाड़ी हमारी, मजा आ गया, ठीक है। तो इसके आप देख सकते हैं क्रोम गार्निश भी पूरी हमारी इसके अंदर इंस्टॉल हो गई, ये देख लो ये इंस्टॉल करी जा रही है। अभी इसके ऊपर से ये पन्नी हमारी रिमूव हो जाती है, देखो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, अपने हाथ से उद्घाटन कर देंगे, ये हो गई हमारी पूरी क्रोम गार्निश गाड़ी के ऊपर इंस्टॉल, ठीक है भाई। उसके अलावा तो बाकी एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी स्कफ प्लेटिंग हो गई, बाकी इसके अंदर आपको LED वाली चाहिए LED वाली भी मिल जाएगी, और ये भी हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए। तो ये सारा काम टोटल इस गाड़ी के अंदर हुआ था। तो वीडियो आप लोग ने पूरी देख ली, गाड़ी हमारी बढ़िया तरीके से तैयार हो गई है हमारी तरफ से। अब बट जो हमारे कस्टमर है उनसे जान लेते हैं उनको कैसा लगा काम। ये हमारे भैया हरिद्वार से आए थे, कैसा लगा भैया आपको काम? तो सब तो मैं एक ही बात कहूंगा, हाँ जी,
कि चामुंडा भाई और एक इनके साथ हमारे सोनू भाई हैं। हाँ जी, आप जैसे भाइयों के वीडियो देख के तो यहाँ पहुँचे। हाँ जी, और मेरा बालक जो है वो इनका फैन भी है। क्या बात है। ठीक है, कुल मिला के ये है कि देखिए काम तो अच्छा हुआ है और अच्छा फीडबैक है पुराना, इसीलिए अपन लोग इधर आए हैं। बिल्कुल ठीक है, पूरा दिन आदमी इतनी दूर जगह आता है काम कराने के लिए तो कुछ अच्छा सोच के 250-300 किलोमीटर है लगभग दिल्ली हरिद्वार से। इससे अलग एक बात छोटी सी कहूँगा कि काम अच्छा हुआ है। हाँ जी, लेकिन काम के साथ साथ जो चामुंडा भाई का व्यवहार है सपोर्टिंग है वो। धन्यवाद जी, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल, बाकी सब मतलब बढ़िया है ना। मैंने 200 में कह देना उसे तुम डिटेल में ले जाओ। सही बात है। मैंने काम कोई भी करे पर सबसे बड़ी बात होता है कस्टमर अगर खुश हो गए। लेकिन भाई का जो व्यवहार है दोनों का इनका बिल्कुल अल्टीमेट है। देखिए तीन चार चीजें, पैसे के लिए बात आदमी बैठ के करेगा उसमें भी जाया जाए। हाँ जी ठीक है, आप डिटेल में तो जाने से बहुत लंबा है लेकिन दो शब्दों में यही है। दो शब्दों में इतना ही है, बढ़िया काम। एक ओवरऑल अगर रेटिंग देना चाहे 10 में से कितनी रेटिंग आप देना चाहोगे काम को? काम को दे दो चाहे इसको दे दो भाई को। तो ये बहुत अच्छा काम लगा इनको। बाकी आप भी यहाँ पर आ सकते हो, काम करा सकते हो। ये देख लो महिंद्रा का सारे जेन्युइन एक्सेसरीज हमारे पास अवेलेबल है। इतने यहाँ पर भी सारा महिंद्रा महिंद्रा, ये महिंद्रा महिंद्रा सब ऊपर टोटल पूरा महिंद्रा भरा पड़ा है। एक सिंगल पार्ट है, सिंगल पार्ट की स्टॉक है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको आफ्टर मार्केट पार्ट भी मिलेगा, जैसे स्पीकर वगैरह होगा और सब कुछ म्यूजिक सिस्टम होगा। दिख रहा है जब हमारा ऑफिस तैयार हो जाएगा तो एक अलग टाइम में अलग ही सेगमेंट मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो भाई। एक बार आप बोल दो प्लीज, आपके बोलने से जरूर मान लेंगे। मैं साफ जितने भी के व्यूअर्स हैं सबको एक ही बात बोलता हूँ, आप सब्सक्राइब करो। हाँ जी, सब 700 स्कोर व्यू लेके चामुंडा भाई की सेवा। क्या बात है भाई, थैंक यू सो मच।